क्या कहूं, कुछ कहा नहीं जाए, बिन कहे भी रहा नहीं जाए। इस बिजनेस के बारे में बोलने की इच्छा इतनी होती है कि बोलने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। और कहते हैं कि साइलेंस इज द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस एनीथिंग। लेकिन एक शायर की बात मुझे याद आती है और इस बिजनेस के लिए कितना सही है वो। एक दिन खुदा से मेरी मुलाकात हुई, मान लीजिए एक दिन खुदा से मेरी मुलाकात हुई, थोड़ी ही सही पर बात हुई। मैंने उनसे पूछा यह बिजनेस कैसा है, उन्होंने बोला रिश्ता बनाए रखना बिल्कुल मेरे जैसा है, रिश्ता बनाए रखना बिल्कुल मेरे जैसा। दोस्त, कहां कहां से उठ के लोग इस बिजनेस में आ जाते हैं और इस बिजनेस में एक बार मिल जाते हैं और इसकी संगत में रंग जाते हैं तो बिजनेस और इनमें कोई फर्क ही नहीं रह जाता, दोनों एक जैसे हो जाते हैं। लाली तेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। दिस इज ऑल अबाउट, आई कैन से अबाउट दिस बिजनेस, यू कांट डिस्क्रिमिनेट ए सक्सेसफुल पर्सन एंड द पल्सेस ऑफ दिस बिजनेस। एमवी और ब्रिट वर्ल्डवाइड का जो कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन की संगत और एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी जो इस बिजनेस में है, आप इस दोनों चीजों को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। दैट्स वाई आई ऑलवेज बी एक्साइटेड अबाउट दिस बिजनेस। बहुत ज्यादा बुद्धिमान होने के बाद आदमी तर्कों के जाल में घुस जाता है, लेकिन अगर उसको मौलिक ज्ञान, फंडामेंटल नॉलेज जिसको विजडम कहते हैं, वो आ जाए तो इसके अंदर जाता चला जाता है, घुसता चला जाता है गहरे पानी में और पैठ लगाता है। और जब से मैंने इस बिजनेस के बारे में ठीक से समझा दोस्त, पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। यात्रा जारी है, लगातार जारी है, लेकिन पीछे मुड़ने की कोई बात नहीं है। सच बताता हूं आपको, आई एम सो एक्साइटेड अबाउट टूडेज फंक्शन, स्पेशली आज जो हमारा रिकॉग्निशन हो रहा है फाउंडर डायमंडशिप के बारे में। इस सीजन में कई जगह रिकॉग्निशन हो रहे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे गुवाहाटी में मेरा ऑलरेडी रिकॉग्निशन हो चुका है, गंगा के किनारे पटना में भी होना है 29 को, लेकिन यमुना के किनारे दिल्ली की कुछ और ही बात है, मैं आपको बताता हूं। चाहे कुछ भी कर ले कोई राजनीति में, लाल किले में जब तक खड़ा नहीं होता है राजनीति पूर्ण नहीं होती है, आई एम टेलिंग यू। सबको दिल्ली आकर ही यहां पर अपने नेतृत्व के शिखर पर जाना पड़ा है। सो आई एम प्राउड एंड प्रिविलेज दैट आई एम इन फ्रंट ऑफ यू पीपल एंड आई एम रिकॉग्नाइज्ड ऑन दिल्ली स्टेज, आई एम टेलिंग यू। गॉड ब्लेस ऑल दीज ब्रिट स्टाफ्स एंड एवरीबडी। मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं हमेशा, और कुछ भी बातचीत करूं उसके पहले उनको कहे बगैर रह नहीं सकता, क्योंकि राई को पर्वत कर देते हैं और पर्वत को क्षण में राई कर देते हैं, किसको कहां पहुंचा देते हैं यह सब उन्हीं की कहानी है। उनके बारे में तो बात करने में एक सेशन ही अलग हो जाएगा। सबसे पहले उनको धन्यवाद, जिन्होंने, अनुराग कह रहे थे 84 लाख योनि में ये योनि दी, तो उनको सबसे पहले धन्यवाद जिन्होंने स्वस्थ शरीर सन्मति दिया, इस आर्यावर्त में भारतवर्ष, अखंड भारतवर्ष में जन्म दिया, पैदा किया और इतना स्वस्थ सब कुछ दिया ताकि कुछ कर सके। आई एम सो ब्लेस, आई मीन द ब्लेसिंग्स ऑलवेज कम्स फ्रॉम, एक जोरदार ताली दीजिए ऊपर वाले उस ईश्वर के लिए। विशेषकर मेरे माता पिता, मेरे पिता का पुण्य और मां का आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। इस बिजनेस में आने के पहले भी रहा है और अभी भी लगातार रह रहा है। ऑल्दो सम चैलेंजेस हैज कम, बट वी आर ओवरकमिंग ऑल दीज थिंग्स। मैं आपको सच बता सकता हूं कि उनकी शक्ति अगर पीछे से प्रेरणा में नहीं रहे तो कुछ नहीं हो सकता है। और जो लोग माँ बाप के लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, जिंदगी उनके लिए अच्छा कभी नहीं सोच पाती है। आई एम फ्रेंकली स्पीकिंग टू यू, सो यू ऑलवेज प्रे टू योर पेरेंट्स। आई एम पर्सनली ऑब्लाइज टू माई ऑल लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, जिन लोगों ने फ्रॉम स्क्रैच, जो शुरुआत से लेकर ऊपर तक वैल्यू एडिशन मुझ में किया है। मेरे इस पूरे व्यक्तित्व का योगदान उस समस्त मेरी उस वंशावली को है जो मंजरी किशोर रूप स्पॉन्सर से शुरू होती है, जो कुछ दिनों के लिए साथ रही थी और वहां से होते हुए बहुत ऊपर तक जाती है। किसी का भी नाम ले, देवेश और अविनाश एंड रीना, संजय उपाध्याय, संजय गुप्ता से लेके आशीष प्रभा और फिर नन अदर देन अनुराग एंड निधि अग्रवाल, यू कैन से मैं आपको सच बताता हूं इस बिजनेस में इस लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप का क्या महत्व है, ये वही समझता है जो वहां से इन रसों को खींच पाता है। एंड स्पेशली अनुराग निधि हैज कंट्रीब्यूटेड इन आर लाइफ, हमारे लाइफ में पैराडाइम शिफ्ट उन्होंने ला दिया।
जब पहली दफा देखा था तो एक एक सिल्वर प्रोड्यूसर के रूप में फर्स्ट टाइम वो एमरल्ड या फाउंडर एमरल्ड थे, उनकी हरी सेंट्रोस के पीछे से कुछ टूल्स किसी को देते हुए एक बड़े ऑरा के साथ, और वहाँ से होते हुए वो हमारे अपलाइन बन गए, फिर धीरे धीरे हमारे मेंटोर भी बन गए, फिर धीरे धीरे हमारे फ्रेंड भी बन गए, फिर एक दिन वो सखा बन गए, एंड नाउ ही इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सो गिव ए गुड क्लैप टू अनुराग एंड द फाउंडर्स डायमंड गोइंग ईडीसी। आई एम टेलिंग यू आई एम स्पेशल थैंक्स टू द होल कंट्री मेंटर कांति एंड लता गाला एंड स्पेशली दिस ब्रिट वर्ल्ड वाइड एसोसिएट्स, जिन्होंने एक व्यक्ति को एक प्रवृत्ति के रूप में बना दिया, सिस्टम इतना बढ़िया से स्टैब्लिश कर दिया कि मेरे जैसा आदमी भी जिसके पास मुश्किल से समय निकलता था वो पार्ट टाइम इस बिजनेस को बिल्ड कर सका और बहुत आगे जा सका। आई एम टेलिंग यू आई मीन स्पेशल थैंक्स टू ऑल दीज पर्सन, स्पेशली ब्रिट स्टाफ्स एंड एमवे एम्प्लॉय ऑल्सो। ये सब लोगों की देन है यहाँ पर, मुझे यहाँ पर लाने और पहुँचने की। दोस्त, फाउंडर्स डायमंड बनने के पीछे में बहुत बड़ी कहानी नहीं है, वो कहानी तो डायमंडशिप तक ही हो गई थी, लेकिन अगर संक्षेप में बोलना चाहूँ तो क्या बोलूँ, वक्त कम होने पर क्या बोलूँ। कविताई मेरे अंदर है इसलिए कविताई में थोड़ी बात बोल सकता हूँ कि बिजनेस को जब ज्वाइन किया था तो शायद किसी पे एहसान किया था। मंजरी को कहा था कि उससे मोबाइल खरीद लो और कर लो, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के साथ कहीं नौकरी कर रहा था। बिजनेस को जब ज्वाइन किया था तो शायद किसी पे एहसान किया था, न जाने कितनी बार जाने अनजाने में अपने अप्लायंस का अपमान भी किया था। सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम मेरे जोश का मौसम था, आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड। सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम मेरे जोश का मौसम था। अगर सच बोलूं तो अकेले भी मुझ में बहुत दम था, अकेले भी बहुत सारी चीज कर रहा था। रूबी सफायर और एमरल्ड जश्न की कहानी थी, बिजनेस मजबूत हो गया ये उसकी निशानी थी। लेकिन दोस्त, डायमंडशिप शिखर पर पहुंचने की कहानी थी, जिसके लिए लोग सपनों का महल बनाते हैं उसके अंदर हकीकत में पहुंचने की बात थी। और अगर फाउंडर्स डायमंडशिप की बात करूं तो ये बुनियाद कितनी मजबूत है ये उसका उदाहरण है। अगर डायमंडशिप इस व्यवसाय में क्रांति है तो फाउंडर डायमंडशिप उस सफलता के बाद की शांति है। आई कैन से यू दैट्स द ट्रू पीस यू कैन से। नाम प्रेमवत सुनीता, बिहार में पैदा हुआ, भागलपुर में पढ़ा लिखा, बेगूसराय मौलिक जिला था जहां जन्म लिया। पिता प्रोफेसर थे, चार भाई दो बहन, कहानी आप जानते हैं। बचपन से ही खेलने और सपने देखने दोनों के में मजा बहुत आता था। पढ़ाई सिर्फ इसलिए करता था क्योंकि एक मजबूरी थी, माँ का मार और त्वचा मेरी थोड़ी संवेदनशील थी, फेल न हो जाऊँ, पीछे न हो जाऊँ, इसका डर था, इसीलिए पढ़ाई की। खूब अच्छी पढ़ाई की, इंजीनियरिंग में गया, प्लस टू किया, उसके बाद इंजीनियरिंग का चार साल बहुत मस्ती किया, वहाँ से निकल के अच्छी नौकरियाँ मिली, नौकरियों को किया, फिर और अच्छी नौकरी की तलाश में गया, सिविल सर्विसेज किया, सिविल सर्विसेज में क्वालिफाई किया, अच्छी नौकरी भी मिल गई और फिर लगा जैसे कि पूरी जिंदगी बदल गई। लेकिन दोस्त, ऐसा कुछ नहीं हुआ। औसत मध्यवर्गीय जिंदगी की तलाश औसत मध्यवर्गीय जिंदगी में ही छिप जाती है। हम भी तीन चार वर्षों में समझ गए कि जिस ट्रेन पर चढ़ा हूं उसकी रफ्तार 120 किलोमीटर पर आवर है और 250 किलोमीटर पर आवर या 50 किलोमीटर 500 किलोमीटर पर आवर से यह ट्रेन चल नहीं सकती है। तो इस ट्रेन से जितने देर में सफर पूरा किया जा सकता है वहीं तक जा पाऊंगा, चाहे ट्रेन में बैठे रहूं, सोऊं या खूब दौड़ूं। और जिस दिन यह बात समझ में आ गई, अंदर से मन उदास हो गया, लेकिन और क्या करता, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एडुकेशन किया ही था, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट जॉब लिया ही था, विकल्प कुछ समझ में नहीं आता था। उदारीकरण का ऐसा माहौल नहीं था, बिहार में ऐसा वातावरण नहीं था, और सिवाय इसके कि अपनी नौकरी में ही अपने आप को समझा के रहूं, छोटे छोटे ताजमहल को खोजूं बड़े ताजमहल देखने के बदले, सारी चीजों को छोटा कर लूं और अपनी जिंदगी में यही समझूं कि इतना भी कोई कुछ कैसे कर पाता है, बस इसी में अपने आप को बंद कर लिया था। दोस्त, जिंदगी हांफ रही थी, भाग रही थी, लेकिन जिंदगी को कोई उत्तर देने वाला नहीं था। और इसी बीच में एक लड़की आती है, रविवार को प्लान दिखाती है, बिजनेस में आता हूं, एक बड़े फंक्शन सेमिनार में जाता हूं, पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है, चीजें बदल जाती हैं, और फिर गंभीर सीरियस हो जाता हूं इस बिजनेस में। दोस्त, एक शब्द है जिसको कहते हैं देखना, और एक दूसरा शब्द है जिसको कहते हैं दृष्टि, विजन। देखता बहुत है लोग, लेकिन दृष्टि बहुत कम लोगों के पास होती है। और दृष्टि जिस दिन आदमी को मिल जाती है, आदमी उसी दिन से निर्णय लेता है किसी चीज के बारे में।
कहते हैं ना, यह सब तभी होता है जब ईश्वर की विशेष कृपा होती है। मेरी जिंदगी भी खराब हो सकती थी अगर उनकी विशेष कृपा नहीं होती। उनकी विशेष कृपा हुई, मैं इस बिजनेस के मर्म को समझ गया कि मेरी औकात नहीं है कि मेरे पास अभी 50 करोड़ रुपए हों कि मैं एक सिस्टम क्रिएट करूं अलग से 500 एम्प्लॉय रखकर। मेरी औकात अब नहीं रही कि मैं सचिन तेंदुलकर या अमिताभ बच्चन अचानक से बन सकता हूं। लेकिन हाँ, इस बिजनेस ने जो टाइम कंपाउंडिंग का एक सिस्टम क्रिएट करने का तरीका सिखाया है, जहां मैं बचे समय में मेहनत करूं और मेहनत करके 2-3 घंटे रोज लगा के आगे बढ़ूं, तो शायद आने वाले दिन में एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश कर सकता हूं और फिर धीरे धीरे वहीं पहुंच सकता हूं, उसी एंटरप्रेन्योरशिप को ले सकता हूं जिसकी चाहत सबको होती है। और जैसे ये बात समझ में आई, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा, यात्रा पूरी होती चली गई दोस्त। हाँ, संघर्ष हुआ बीच में, ऐसा नहीं है कि संघर्ष नहीं हुआ, मैंने पहले भी सुनाया है, आज वो वक्त नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं संघर्ष का स्तर दूसरा था। ऐसा नहीं था कि पैसे की कमी थी या ऐसा नहीं था कि काम करना मुझे नहीं आता था, लेकिन अंदर का संघर्ष बहुत था। लोगों की आलोचनाओं को सुनना था, लोग कुछ न कुछ बोलते थे, लीक से हटकर चलने पर लोगों का दृष्टिकोण शुरुआती दौर में अलग होता है, जब आप सफल हो जाते हैं तब दूसरा हो जाता है। वो सब चीजें थी, उनका संघर्ष बहुत बड़ा था। लोग कहते थे, प्रेमवत क्यों साबुन बेचते हो, इतने अच्छे अधिकारी हो, क्या कम गया है तुमको, कुछ दूसरा काम करो। लोग कहते थे, भाग रहे हो पैसे के पीछे में। लोग भौतिकवादी समझने लगे, लोगों के दिमाग में चला गया कि ये अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। और इन आलोचनाओं से बचने का तरीका बड़ा मुश्किल होता है दोस्त। लेकिन जब आपकी बात आपको समझ में आ जाए और अगर आप लक्ष्य पे लगे हुए हैं, तो फिर आप लोगों की आलोचनाओं को नहीं देखते हैं, इधर उधर नहीं देखते हैं, आप सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर देखते हैं। आप सिर्फ उन्हीं चीजों को फोकस करते हैं जिससे आप ग्रोथ ले सकते हैं। निराला ने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी है उन यूथ्स के लिए, उन युवाओं के लिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं और इधर उधर नहीं देखते हैं, मैं आपको सुनाता हूं। उन्होंने लिखा है कि यू का जुआ मत देख दाएं और बाएं, डोंट सी लेफ्ट एंड राइट, मत देख दाएं और बाएं, झांक मत बगलें न अपनी आंख कर नीचे, अगर कुछ देखना है तो देख अपने वो वृषभ कंधे, जिन्हें देता चुनौती सामने तेरे खड़ा यू का जुआ। अपने कंधे को देखो, अपनी अपनी अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को देखो, वही तुमको आदमी, वही आप आगे ले जाएगा। दोस्त, सपने को मरने नहीं देना है, उस समय लक्ष्य की ओर चलना है। और सपने मर जाते हैं तो व्यक्ति ही मर जाता है। उपास ने कहा है ना कि आदमी रोज दफ्तर जाने से नहीं मरता है, आदमी कम खाने से नहीं मरता है। रोज जाइएगा दफ्तर तो मर नहीं जाइएगा आप। आदमी रोज दफ्तर जाने से नहीं मरता है, आदमी कम खाने से नहीं मरता है, लेकिन जिस दिन उसके सपने मर जाते हैं आदमी उसी दिन मर जाता है। लाश चलती है उसके बाद, लाश सरवाइव करती है। मैंने उसी दिन से निर्णय लिया, संघर्ष निकला, संघर्ष हुई, बहुत सारी बातें हुई, स्पेशली एमरल्ड से डायमंड और डायमंड शिप से फाउंडर डायमंड शिप में बहुत चीजें देखा। बहुत सारे स्लाइड्स हैं, जिन स्लाइड्स को मैं दिखाऊं तो आपको मजा आएगा, देसी रहेगा, अच्छा लगेगा।